रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निहारिका और अनमोल की शादी को 5 साल हो गए थे। जहाँ निहारिका अनमोल से बहुत प्यार करती, वहीं अनमोल भी निहारिका पर जान छिड़कता। अनमोल एक रेलवे कर्मचारी था और इस वजह से उसकी आमदनी भी अच्छी थी। उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। तभी एक दिन अनमोल घर आकर निहारिका को आवाज लगाता है। निहू, निहू बाहर आओ, कुछ बताना है। क्या हो गया मेरे रेलवे कर्मचारी? इतने राजधानी एक्सप्रेस की तरह उतावले की हो रहे हो, सब ठीक है ना? अरे मेरा मुंबई से इंदौर ट्रांसफर हो गया है, हमें परसों ही वहाँ जाना है और मैं बहुत खुश हूँ। पता है मेरा पूरा बचपन वहीं बीता है और वहाँ वो भी तो होगी ना। क्या, वो कौन है? बिंदु, और कौन? पता है मैं उसको स्कूल टाइम से जानता हूँ, हम साथ स्कूल आते, साथ जाते, साथ खाते, साथ पढ़ते। उफ, बिंदु बिंदु बिंदु। इतना कहकर अनमोल अपने कमरे में पैकिंग करने चला जाता है और उसे इतना खुश देखकर निहारिका कहती है, इतना खुश तो ये आदमी अपनी शादी वाले दिन भी नहीं था जितना ये अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने के बाद हो गया। छोड़ो, मैं भी क्या बेकार की चिंता कर रही हूँ, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। इतना कहकर निहारिका इस बात को टाल देती है और पैकिंग में लग जाती है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ वो दिन आता है जब अनमोल और निहारिका इंदौर के लिए निकल जाते हैं। अनमोल सारे रास्ते निहारिका को बिंदु और अपने किस्से सुनाता है, लेकिन निहारिका ये सोचकर अपने धीरज के बांध को बांध कर रखती है कि बिंदु की तो अब शादी हो गई होगी। अनमोल और निहारिका जैसे ही अपने इंदौर के घर में कदम रखते हैं, तो निहारिका जैसे ही दरवाजा खोलती है तभी सामने एक अति सुंदर लड़की को देखकर चकित रह जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि बिंदु थी, जिसे देखते ही अनमोल उसे गले लगाकर गोद में उठाकर कहता है, अरे मेरी बिंदु बिंदी, तू मेरे घर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तो कितनी बदल गई है, पहले कैसी सी थी और अब कितनी सुंदर हो गई है। मुझे पता होता तो मैं तुझी से शादी कर लेता। पता है नहीं हूँ, मैं बिंदु और हलवाई किशन स्कूल में साथ साथ ही पढ़े हैं। हाय राम रे, मेरे पति ने तो इस औरत के आगे अपनी सारी शर्म बेच दी, कैसे गोद में उठाकर नाच रहा है और ये बेशरम लड़की, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। निहारिका अपने ख्यालों में खोई होती है, तभी बिंदु की नज़र उस पर जाती है और वो उसे देख कर कहती है, अरे जी आप बाहर क्यों खड़ी हैं जी, अंदर आइए ना जी, वो आज अनमोल जी आने वाले थे तो मैं इनसे मिलने आ गई। आपका घर कहाँ पर है? जी यही सामने वाला जी, हलवाई किशन की दुकान के बगल वाला। कोई भी जरूरत हो ना जी तो आप आधी रात को भी बुला लेना जी। अनमोल जी अब मैं चलती हूँ, कल सुबह आऊँगी, आपसे शादी की बात करनी है। इतना कहकर बिंदु चली जाती है, जिसके बाद अनमोल और निहारिका भी सामान अनपैक करके सोने चली जाती है और वहाँ भी भावुक होकर अनमोल निहारिका से कहता है, कितनी सुंदर है ना मेरी बिंदु, एकदम चांद जैसी, और उसकी बोली कितनी मीठी है। शुगर क्यों नहीं हो जाती उस मुई को, इतनी मीठी है तो। पता है बिंदु ना, बस करो बिंदु बिंदु, कई दिन से उसका नाम लिए जा रहे हो, मेरी जान खा रखी है, तुमको शर्म नहीं आती मेरे आगे किसी और का नाम लेते हुए? पर बिंदु तो। चुप, बिल्कुल चुप होकर सो जाओ, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। अनमोल निहारिका के डर से सांसें खींच कर सो जाता है, जिसके बाद निहारिका को सारी रात अनमोल और अपने रिश्ते की चिंता सताती है, जिस वजह से वो कई घंटे तक नहीं सो पाती। और उसके बाद वो अनमोल का हाथ अपनी सूट की चुन्नी से बांध कर सो जाती है। और जब सुबह अनमोल ये देखता है तो कहता है, यार नीहू तो बिंदु को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। अनमोल बेचारा जहाँ एक तरफ अपने हाथ से चुन्नी खोल रहा होता है, वहीं निहारिका सपने में देखती है कि बिंदु अनमोल को जयमाला का हार पहना रही है, जिसे देखकर वो नींद में चिल्लाती है, नहीं अनमोल मेरा है, अनमोल मेरा है, मैं बिंदु को मेरे पति को कभी छीनने नहीं दूंगी। ये सब सुनकर अनमोल समझ जाता है कि उसको ही कोई रास्ता निकालना होगा इन सब मुश्किलों से निकलने के लिए, जिसके बाद वो वहाँ से उठकर जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है,
तो सामने बिंदु खड़ी होती है। अरे बिंदु, तुम यहाँ सुबह सुबह? हाँ जी मैं। क्यों, क्या हुआ जी? मेरा मतलब बिंदु, अभी तुम जाओ, बाद में आना। अगर निहू ने इसको यहाँ देख लिया ना, तो अब तक तो उसने मेरे हाथों को अपनी चुन्नी से बांधा था, अब मेरा गला अपनी चुन्नी से बांध देगी। पर अनमोल जी, क्या हुआ, आप हमको ऐसे भगा क्यों रहे हो? हम तो आपके और निहारिका जी के लिए नाश्ता लेकर आए हैं। अनमोल किसी तरह बिंदु को निकाल कर दरवाजा बंद कर देता है। तभी वहाँ निहारिका आती है, जो उसके चेहरे के उतरे रंग को देखकर कहती है, क्या हुआ अनमोल, ऐसे परेशान होकर क्यों खड़े हो दरवाजे पर? कुछ नहीं बिंदु, मेरा मतलब निहारिका, भिखारी आया था भीख मांगने, मैंने भगा दिया, अब मुझे कुछ खिला दो ना, बड़ी भूख लगी है। क्यों, तुम्हारी बिंदु नहीं आई तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर? वो यहाँ मेरे लिए नाश्ता लेकर क्यों आएगी? अब तुम एक काम करो, बढ़िया सी चाय बनाओ, मैं हमारे स्कूल के दोस्त किशन से मिलकर आता हूँ, सुना है बहुत मोटा तगड़ा हो गया है, और आते हुए उसकी दुकान से समोसे भी ले आऊंगा। हे भगवान, इसे किशन के यहाँ ही भेजना, इसको कृष्णा बनाकर बिंदु के घर मत भेज देना। अनमोल गली में निकलकर अपने दोस्त किशन की दुकान पर जाता है और उसे देखकर कहता है, अरे किशु, तू तो बाइक से ट्रक बन गया यार। अरे अनमोल, तू तेरे पिता के ट्रांसफर के बाद तू आज दिखा है, बस मैं और बिंदु ही तुझे सारा दिन याद किया करते थे। अच्छा ये बता, क्या खाएगा, समोसा या मट्टी, क्या दूं तुझे? एक काम कर, मेरे और तेरी भाभी के लिए समोसे पैक कर दे। तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं। चल कोई नहीं, मैं जल्दी तेरे घर आऊंगा भाभी से मिलने, और भाभी के हाथ की चाय भी पीऊंगा, और भगवान ने चाहा तो मैं अपनी बीबी के साथ तेरे घर आऊंगा। किशन से समोसे पैक करवाने के बाद अनमोल उनको लेकर अपने घर वापस आता है और समोसों को खाकर काम पर निकल जाता है। अब निहारिका को हर वक्त ये डर सताता था कि कहीं बिंदु उसकी सौतन ना बन जाए। एक दिन देर रात तक अनमोल घर नहीं आता और निहारिका फिक्र करते हुए कहती है, मोबाइल भी बंद है इनका, कहाँ चले गए, अभी तक आए नहीं। उस दिन बिंदु ने कहा था शादी की बात करनी है, कहीं इन्होंने शादी तो नहीं कर ली। निहारिका जहाँ ये सोच ही रही थी कि तभी डोरबेल बजती है और निहारिका जब दरवाजा खोलती है तो सामने अनमोल और बिंदु खड़े होते हैं, जिसमें बिंदु ने दुल्हन का जोड़ा पहना होता है, और उसे देखकर निहारिका कहती है, जिसका डर था वही हुआ, तुम मेरी सौतन बन गई ना अनमोल जी, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा। इतना कहकर निहारिका बेचारी रोने लगती है। तभी पीछे से वरमाला पहने किशन आता है, जिसे देखकर निहारिका के आंसू विलुप्त हो जाते हैं और अनमोल कहता है, बस करो निहू, इतना तो इंदौर में भी पानी नहीं है जितना तुमने अपने इन दो नैनों से बहा दिया। बिंदु और किशन एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं इनकी शादी करवा के आया हूँ, इसीलिए लेट हुआ, तुम भी ना। ओ, उस दिन बिंदु तुमसे शादी करने की बात कर रही थी और मैं न जाने क्या क्या सोच रही थी। अरे इनके घर वाले तैयार नहीं थे, क्योंकि किशन मोटा है और हलवाई है, और बिंदु, हाँ हाँ पता है, सुंदर है, संस्कारी है, बस मुझे इस बात की खुशी है कि बिंदु मेरी सौतन नहीं बनी। और इस तरह निहारिका की चिंता खत्म होती है जब वो बिंदु को किशन की पत्नी बनते देखती है, और जिसके बाद निहारिका बिना किसी फिक्र के बिंदु को अनमोल से मिलने दिया करती। और अब ये तो भगवान और बिंदु अनमोल ही बता सकते हैं कि सच में उनमें प्यार था या नहीं। इस तरह हमारी बनु में तेरी सौतन कहानी खत्म होती है। अब ये कैसी लगी ये तो आप ही बता सकते हैं। अपने मोहल्ले की उम्र दराज औरतों को खुद से जवान देखकर मालिनी बड़ी हैरान रहा करती। एक दिन वो अपनी पड़ोसन सुजाता से बात कर रही थी, तभी सामने से बन ठन कर चश्मा लगाए जानकी गुजरती है। उसके चेहरे की चमक देखकर मालिनी सुजाता से कहती है, एक बात तो बता सुजाता, जिस उम्र में इस नासपिटी जानकी के चेहरे पर झुर्रियों का भंडार होना चाहिए, उस उम्र में इसका चेहरा इतना क्यों चमक रहा है? मेकअप का नाम सुना है, उसी का कमाल है मालिनी, तभी तो देख दो दो बहुओं की सास होकर भी इतनी जवान दिखाई पड़ती है ये जानकी। सही कह रही है, मेकअप का जमाना है, जभी तो मेकअप के सामान इतने महंगे हो रहे हैं। हाँ, और वैसे भी आज के जमाने में क्या जवान क्या बुढ़े, सब मेकअप पोत के मंडराते रहते हैं। वैसे मैंने सुना तू घर में बहू लाने की तैयारी कर रही है। हाँ, कुछ जगह रिश्ते देखे हैं,
संजय को कोई लड़की भा जाए तो बात आगे बढ़े। सही है, फिर तो तू भी घर की चिंता से मुक्त होकर खाली समय में चेहरे पर क्रीम पाउडर लगाया करियो जानकी की तरह। हाय हाय, मुझे जरूरत ना है मेकअप की, मैं तो ऐसे ही भली चंगी हूँ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मालिनी का पति सुरेश उसे आवाज लगाता हुआ बाहर आता है। भगवान, अरे ओ भगवान, कहाँ हो? अरे चाय देने के समय पर क्या गप्पे मार रही हो? क्यों काय काय कर रही हो? आ रही हूँ। जा मालिनी, बहू के आने तक तो तुझे ही घिसना है, मैं भी जाकर साफ सफाई करूँ। तभी दोनों अपने घर की ओर चली जाती हैं। समय बीतता है और मालिनी अपने बेटे की शादी मोहिनी नाम की लड़की से कर देती है और उसका गृह प्रवेश कर ससुराल में अपनी बहू का स्वागत करती है। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म के लिए मालिनी उसके लिए साड़ी और गहने लेकर कमरे में जाती है तो देखती है कि मोहिनी मेकअप कर रही है। अरे वाह बहू, तू तो पहले ही तैयार हो रही है। हाँ, माँ ने मुझे मुंह दिखाई की रस्म के बारे में बताया था तो मैंने सोचा सबके सामने थोड़ा मेकअप करके चली जाती हूँ। अच्छा ये ले साड़ी और कपड़े, वैसे सच में मेकअप करके तू तो हीरोइन ही लग रही है। सासू माँ, ये तो मेरी मेकअप किट का कमाल है, मेकअप करके मुझ में अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छा तो बहू, अपनी मेकअप किट से थोड़ा मेकअप मेरा भी कर दे। भगवान, अरे ओ संजय की माँ, अरे यहाँ क्या कर रही हो? अरे मुझे टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है। आपको कोई चीज मिलती कहाँ है? जब देखो तब भगवान भगवान जपते हुए टपक पड़ते हो। ससुर जी, मैं ढूंढ कर देती हूँ आपको रिमोट। कोई जरूरत नहीं है बहू, इनके वैसे ही खुजली मस्ती रहती है, तू थोड़ा मेरा भी मेकअप कर दे। बताओ, अरे मुंह दिखाई बहू की है, तुम्हारी नहीं। तुम क्या करोगी लाली पाउडर पोत के? तांडव करूंगी। अरे कोई काम नहीं है क्या आपको? सास बहू के बीच टपक पड़ते हो, चलो रिमोट ढूंढ कर दो। तू तैयार हो जा बहू। इतना कहकर मालिनी सुरेश के साथ वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में सभी पड़ोसने रस्म के लिए उसके घर आती है और मोहिनी को देखकर उसकी सुंदरता और रूप और निखार की बढ़ चढ़ कर तारीफ करती है। ये देखकर मालिनी बड़ी हैरान रहती है और समझ जाती है कि मेकअप सच में बड़ी काम की चीज है। समय बीतता है। एक रोज मालिनी किसी पार्टी में जाने के लिए बढ़िया सी साड़ी पहनकर अपनी बहू से कहती है, बहू इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हूँ, थोड़ा मेकअप किट से मेरा भी रूप निखार दे। माँ, लेकिन आपको तो ये मेकअप कभी पसंद नहीं था। कोई बात नहीं सासू माँ, अभी पार्टी में जा रही हैं तो थोड़ा टचअप करने में कोई बुराई नहीं है। अरे संजय बेटा, ये गाड़ी की चाबी तेरे पास है क्या? हाँ पापा, मैं देता हूँ आपको। और ये क्या पीली शर्ट काली पैंट पहनकर टैक्सी बने फिर रहे हो? चलिए मैं अलमारी में से कोई अच्छी सी शर्ट निकालता हूँ आपके लिए। अरे बेटा, इस बुढ़ापे में कुछ भी पहन लो क्या फर्क पड़ता है, पार्टी में लोग कौन सा हमें देखने आ रहे हैं। हाँ तो एक काम करो, कच्चे बनियान में ही चल पड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है, जमाने के साथ चलना तो इन्हें आता ही नहीं है। ओहो माँ, चिंता मत करो, मैं पापा को कोई दूसरी शर्ट देता हूँ, चलिए पापा। इतना कहकर संजय सुरेश को वहाँ से ले जाता है और मोहिनी अपनी सास का मेकअप करने लगती है और कुछ देर बाद दोनों सास ससुर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में सबको अपनी तारीफ करता देखकर मालिनी रोज मेकअप करना शुरू कर देती है। एक दिन मालिनी किचन में काम कर रही मोहिनी से कहती है, अरे बहू सुन, मुझे अपनी मेकअप किट से जरा काजल और वो पूरे दिन लगे रहने वाली लाली तो दियो, सुजाता के घर कीर्तन में जाना है। सासू माँ, मेरी मेकअप किट में अब और कोई सामान नहीं है, और भला मेकअप करके कौन भजन कीर्तन करता है? अरे तुझे उससे क्या मतलब, तुझसे जो मांगा है देना। ओहो सासू माँ, मैंने तो कहा है कि मेकअप किट खाली है, नई लानी पड़ेगी। आपको तो पता है महंगाई के चलते फैशन की चीजों का दाम भी कितना बढ़ गया है, नई मेकअप किट कम से कम 7,000 तक की आएगी। हाय दैया, इतनी महंगी, इतने में तो एक महीने का राशन आ जाए। पर आज के जमाने में मेकअप भी तो जरूरी है। हाँ महंगाई है इसीलिए तो, छोड़ो सासू माँ। अरे नाना बहू, एक काम करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर हम दोनों एक ही मेकअप किट ले लेते हैं, समय समय पर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन दोनों सास बहू मार्केट जाकर पैसे मिलाकर बढ़िया सी मेकअप किट लेकर आती है जिसमे मेकअप का सारा सामान होता है। लेकिन बहू से ज्यादा सास मेकअप किट का यूज करती थी, मालिनी तो बाहर क्या घर में भी मेकअप का यूज करती। एक दिन मोहिनी को अपनी फ्रेंड से मिलने जाना था
इसीलिए वो अपनी सास के कमरे से मेकअप किट लाकर मेकअप करने बैठती है तो देखती है कि उसमें से बहुत सारा सामान खत्म है। तभी वो गुस्से में कहती है, हद हो गई, अभी मेकअप किट लिए 2 हफ्ते भी नहीं हुए और आधे से ज्यादा सामान खत्म होने को है। सासू माँ भी ना, क्या हुआ? मेरा दिमाग खराब हुआ है और क्या। तुम्हारी माँ को मेकअप किट क्या मिल गई, उस पर टूट पड़ी, सारा दिन मेकअप लगाकर डोलती रहती है। अभी अगर मुझे जरूरत होगी तो सामान ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, इतना गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं, मैं तो फैसला करूँगी। इतना कहकर वो मेकअप किट लिए हॉल में जाती है और वहाँ बैठी अपनी सास के सामने किट को सोफे पर पटक कर कहती है, ये क्या है सासू माँ? ये मेकअप किट हम दोनों ने पैसे मिलाकर खरीदी थी, लेकिन मुझसे ज्यादा मेकअप तो आपने किया है और आधे से ज्यादा चीजों को निपटा भी दिया। अरे संजय की माँ, क्या बुढ़ापे में बहू का सामान लगाए फिरती हो? आप तो चुप ही रहिए जी। अरे बुढ़ापे में मेकअप नहीं कर सकते, कौन से पुराण में लिखा है ये? और वैसे भी मैंने पैसे दिए हैं, तो क्यों ना उसे वसूलूं? अरे सासू माँ, ये क्या बात हुई, आपसे ज्यादा पैसे तो मैंने मिलाए थे इसमें, इस हिसाब से तो ज्यादा मेकअप मुझे लगाना चाहिए, भूल गई क्या? हे भगवान, आप सास बहू की मेकअप किट ना होकर बवाल हो गई, अब बस भी करो। और नहीं तो क्या, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि सास बहू मेकअप किट के लिए आपस में भिड़ रही है। ठीक है ससुर जी, आप कह रहे हैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अब से ये मेकअप किट या तो ये यूज करेंगी या फिर मैं। मोहिनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तभी मालिनी मुंह बनाते हुए सुरेश को कहती है, ए जी, मुझे एक नई और महंगी मेकअप किट चाहिए, वो बस मेरी हो, वैसे भी अपनी शादी की सालगिरह आ रही है ना, तो गिफ्ट में मुझे यही दे देना। एक काम करो, मुझे बेच दो और ले आओ महंगी किट। बुरा आ गई हो क्या? नहीं नहीं, लगता है बुढ़ापे में सटिया गई हो। अरे रहने दो, जब जवान थे तो तुम्हें कोई मिली नहीं, मेरा एहसान मानो जो तुमसे शादी करी। जब जवानी में ये हाल था तो अभी बुढ़ापे में कोई कबाड़ी भी तुम्हें फ्री में ना ले। अरे भगवान, बेइज्जती ना करो, पर बात मानो, ये फालतू के मेकअप करने का झंझट छोड़ो और बहू से ऐसे मत लड़ो। अरे लड़ाइयाँ रिश्तों में दरार लाती हैं बस। अपने पति की बात सुनकर मालिनी समझ जाती है और अपनी बहू को जाकर मनाती है और वादा करती है कि मेकअप किट को कभी कभी ही यूज करेगी, और मोहिनी भी उसकी बात मान लेती है और दोनों सास बहू फिर से सेम मेकअप किट यूज करने लगती है। बीती रात विशाल और शिवानी क्लब में पार्टी कर रहे थे। वहाँ उन लोगों के दोस्तों ने उन्हें कुछ ड्रिंक्स पिला दी थी। ड्रिंक्स के नशे में दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें किसी भी चीज का होश ही नहीं रहता। वो दोनों जैसे तैसे कर विशाल के घर पर पहुँचते हैं और उसके बाद शिवानी विशाल को किस करती है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। अगले सुबह विशाल की आँखें खुलती हैं तो वो सोचता है, सच में कितनी हसीन रात थी, मैंने आज तक ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया। जितना सोचा था शिवानी उससे ज्यादा एक्टिव लड़की है, मुझे इतने मजे आज तक कभी नहीं आए। विशाल शिवानी के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी शिवानी की आँख खुल जाती है और वो बहुत ही प्यारी सी आवाज में विशाल से कहती है, गुड मॉर्निंग जान। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। बेबी आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आँख लग गई। कोई नहीं, वैसे भी सोते हुए तुम और भी हसीन लगती हो सच में। अच्छा नॉटी बॉय। इतना कहकर शिवानी बेड से उठती है और बाथरूम जाने लगती है। ऐसे में विशाल उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है, कहाँ जा रही हो जान? वॉशरूम बेबी, और कहाँ? अकेले अकेले। तो साथ चले फिर। शिवानी विशाल को अपने साथ बाथरूम में ले जाती है और उसके बाद वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। उसी दिन शाम को जब विशाल ऑफिस से निकल रहा होता है तो उसे शिवानी की कही हुई बात याद आती है। शिवानी ने विशाल से सुबह ही कहा था कि शाम को लौटते वक्त उसके लिए केक लेकर आना, तो विशाल उसके लिए केक खरीदने के लिए केक शॉप में चला जाता है। वो शॉप में जाता है तो शॉपकीपर से बोलता है, हेलो मुझे एक ब्लैक फॉरेस्ट केक देना। जी अभी ला कर देता हूँ। विशाल केक लेकर घर चला जाता है। शिवानी केक देखकर बहुत खुश होती है और विशाल को गले लगा लेती है, जिसके बाद कहती है, थैंक यू सो मच बेबी, तुम्हें पता है ना मेरा केक खाने का कितना दिल कर रहा था। मैं जानता हूँ मेरी जान, इसीलिए तो लेकर आया हूँ।
इसके बाद शिवानी केक कट करती है और विशाल को खिलाती है। विशाल भी शिवानी को केक खिलाता है और केक खाने के बाद शिवानी विशाल से बोलती है, वाव कितना टेस्टी केक है ये। हाँ सच में बहुत टेस्टी है, मजा ही आ गया। बेबी तुम कल फिर से मेरे लिए केक लेकर आओगे? पहले इसे तो खत्म कर लो मेरी जान। बेबी ये तो बस अभी खत्म हो जाएगा, कल तुम एक और ले आना। हाँ ले आऊंगा बाबा। वो दोनों केक और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन विशाल अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो शिवानी उसको केक के लिए रिमाइंड करवाती है और फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन शिवानी से शाम तक का इंतजार नहीं होता तो वो विशाल को फोन करके उससे कहती है, बेबी तुम कब आओगे? यार अभी तो 3 ही बजे हैं, शाम तक तो रुक जाओ। नहीं रुका जा रहा ना मुझसे, एक काम करो तुम मुझे उस शॉप का ना एड्रेस सेंड कर दो, मैं खुद जाकर ले आऊंगी केक। ठीक है मैं करता हूँ। विशाल शिवानी को एड्रेस सेंड कर देता है, फिर शिवानी खुद उसी शॉप पर चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का नजर आता है जिसको देखकर शिवानी के होश उड़ जाते हैं और वो उसके पास जाकर उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी मुझे केक चाहिए। हाँ जी जरूर मिलेगा, बताइए कौन सा चाहिए? ब्लैक फॉरेस्ट। जी अभी लेकर आया। यार कितना अच्छा लड़का है ये, कितना हैंडसम है, मैंने आज तक इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। शिवानी तू कहाँ किसी और से प्यार कर रही है, और इसे देख। शिवानी खुद से बात कर ही रही होती है कि उसके पास शॉपकीपर आता है और कहता है, ये लीजिए मैम आपका केक। थैंक यू सो मच मिस्टर शिवम, मेरा मतलब आई एम शिवम। शिवानी नाइस टू मीट यू। सेम हेयर मैम। आप मुझे मैम मत बुलाइए, अच्छा नहीं लग रहा। ओह सॉरी शिवानी जी। ओनली शिवानी। शिवानी अक्सर शिवम से मिलने जाया करती, अब उसे उसकी आदत होने लगी थी और वो विशाल से दूर होती जा रही थी। विशाल उससे कुछ भी कहता तो वो पलटकर उसका जवाब नहीं देती थी। एक दिन विशाल उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आता है और उसे देते हुए बोलता है, बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। शिवानी विशाल की लाई हुई ड्रेस को नापसंद करके उससे कहती है, कितनी गंदी ड्रेस है ये, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पर तुम्हें तो ये डिजाइन अच्छा लगता था ना, अब क्या हुआ? वक्त के साथ इंसान की जरूरत और उसकी पसंद दोनों बदल जाती हैं। इसका मतलब तो तुम मुझे भी बदल दोगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम खुद ही समझदार हो। शिवानी की बातों को सुनकर विशाल को बहुत बुरा लगता है और वो उसे बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। और उसको ऐसे जाते हुए देखकर शिवानी को भी अच्छा नहीं लगता तो वो खुद से कहती है, मुझे विशाल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे कितना बुरा लगा होगा आज मेरी बातों का, पर मैं क्या करूं? अब मैं उससे प्यार नहीं करती, अब मैं शिवम से प्यार करती हूँ। ये बात मैं विशाल को कैसे समझाऊं? मुझे उसे सब कुछ सच सच बताना होगा, मैं कल ही उससे बात करूंगी। अगले दिन जब विशाल उठता है तो शिवानी उसके लिए कॉफी बना कर लाती है, पर विशाल उसकी तरफ देखता भी नहीं है और उठकर बाहर चला जाता है। शिवानी से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो विशाल के पीछे पीछे नीचे तक चली जाती है, साथ ही उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इग्नोर मैं नहीं, तुम मुझे कर रही हो, वो भी बहुत दिनों से। मैं कुछ कहता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करती रहोगी। ओ प्लीज हाँ मुझे मत बताओ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ कहना था कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अब किसी और के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है जाओ खुश रहो। शिवानी विशाल के घर से चली जाती है और शिवम के साथ जाकर रहने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। विशाल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, अपनी सारी पुरानी यादों को भुलाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत कर चुका था। लेकिन एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है और मैसेज किसी और का नहीं बल्कि शिवानी का ही होता है, जिसमें वो लिखती है कि वो शादी कर रही है, वो भी शिवम के साथ। ये बात जानकर विशाल को बहुत बुरा लगता है, इतनी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला था लेकिन ये मैसेज सब कुछ बदल देता है। विशाल उसके घर जाता है लेकिन सीधे तरीके से नहीं,
वो मैकेनिक बनकर उसके घर में लाइट्स लगाने के लिए जाता है और उसकी शादी की सारी तैयारियां करवाता है। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। उस दिन विशाल अपनी पहचान सभी के सामने लेकर आता है, जिसे देखकर शिवानी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो तुम कर रही हो उसे रोकने आया हूँ मैं। लेकिन विशाल, तुम तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे ना, फिर यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। विशाल अपने और शिवानी के रिश्ते के बारे में सभी को बताता है। ये बात सुनकर शिवम उसे शादी करने के लिए मना कर देता है और शिवानी को बीच मंडप में रुसवा कर देता है, जिसके बाद विशाल उसे कहता है, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। कभी नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे मुझे सारी जिंदगी कुंवारी क्यों ना रहना पड़े। इतना कहकर शिवानी वहाँ से चली जाती है और हमेशा के लिए वो शहर भी छोड़ देती है। इस तरह विशाल और शिवानी ना कभी एक दूसरे से हो पाते हैं और ना ही कभी एक दूसरे के हो पाते हैं। परिणीता खाने की बहुत शौकीन थी, लेकिन वो बिना प्याज का खाना बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती थी। उसके खाने में या खाने के साथ सलाद में उसे प्याज ना हो तो मानो वो खाना ही नहीं खाए। एक दिन वो अपनी दोस्तों के साथ ठेले पर छोले कुलचे खा रही होती है, तभी वो नाक सिकोड़ती हुई कहती है, अरे भैया क्या छोले बनाए हैं, प्याज का स्वाद ही नहीं आ रहा इसमें, फ्री में परोस रहे हो क्या, प्याज डालो इसमें। ओ प्याज की दीवानी, छोले कुलचे खाने आई है या प्याज ठूसने? 30 रुपए के छोले कुलचे में 15 रुपए की प्याज ही प्याज लपेटेगी क्या? हाँ तो क्या यार, जब तक स्वाद नहीं आएगा तो फिर खाने का क्या फायदा, पेट भरने के लिए बेस्वाद खा लूँ क्या? ठीक है ना, अब खा ले, डाल दिया प्याज उसने। और क्या, अब आएगा मजा छोले कुलचे का। दोनों खाना खाने लगते हैं, तभी वहाँ से अपनी सब्जी का ठेला लिए एक सब्जी वाली गुजरती है और आवाज लगाते हुए कहती है, आलू कांदार टमाटर ले लो, आओ ताजी सब्जियां ले लो। अरे साहब गिर गया। क्या भाव साहेब, भाव गिर गया सब्जियों का, ले लो कांदा टमाटर। अरे तो पूरा बोलो ना, और मैं सब्जियां लेने नहीं निकला, नहीं चाहिए। क्या धाकड़ सब्जी वाली हो यार, मेरे दोस्त को डरा दिया तुमने। चलो इसी बात पर 1 किलो प्याज तोल दो। हो मैडम, अभी तोलती है मैं। ओ रुको, और तू क्या इसके स्टाइल में इम्प्रेस होकर सब्जी ले रही है, ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो मेरे लिए एक प्लेट छोले कुलचे और लगवा। अरे साहब, मैडम कांदा ले रही है तो तुम्हारे क्यों आंसू निकल रहे हैं, पैसा क्या आप देने वाले हो? देखो मैं तुमसे नहीं अपनी दोस्त से बात कर रहा हूँ, इसीलिए अपनी सब्जी का ठेला लेकर चलती मनो, नहीं चाहिए प्याज टमाटर। अरे तो चुप बैठ, लेने देना, वैसे भी ये हमारी कॉलोनी से सस्ते दाम पर दे रही है। हो साहब, मैं तो कहती हूँ लगे हाथ आप भी ले लो। क्या सब्जी साहब, सब्जी। पूरा बोलने में जुबान घिस रही है क्या, प्याज दो और निकलो यहाँ से। तभी सब्जी वाली प्याज तोल कर परिणीता को दे देती है और पैसे लेकर आगे बढ़ जाती है। साथ ही वो दोनों भी छोले कुलचे खाने के बाद घर की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन जब परिणीता नाश्ता करने बैठती है तो खाने में कद्दू की सब्जी को देखकर कहती है, कद्दू माँ, ये कद्दू कौन खाता है, इंसान खाते हैं, नाश्ता कर और कॉलेज जा। माँ आप ये कद्दू खिला खिला कर ना मेरी जीभ के स्वाद ही खत्म कर दोगी। आप ये बताइए कि घर में कोई और सब्जी नहीं है क्या बनाने को? अरे परिणीता, तू कितने नखरे करने लग गई है, ये कद्दू भी सब्जी है, समझ गई, और सब कुछ खाना चाहिए। अरे अगर सब्जी नहीं थी तो कल मैं प्याज लेकर आई थी, उसके पराठे बना देती। प्याज खाते खाते तू उबती नहीं है क्या, खाने के साथ भी तुझे हमेशा प्याज चाहिए। ठीक है ना, खा रही हूँ, लेकिन सलाद के तौर पर तो एक प्याज काट के दे दो, उसी से काम चला लूंगी। तभी विनीता परेशान होकर किचन में जाती है और एक प्याज को गोल गोल काट कर उसे दे देती है। परिणीता खाने के साथ कच्ची प्याज खाने लगती है। समय बीतता है और परिणीता को देखने के लिए लड़के वाले घर आते हैं और उनके लिए विनीता प्याज के पकौड़े बनाकर चाय के साथ लाती है, जिन्हें देखते ही परिणीता के मुंह में पानी आने लगता है और उसकी नजरें लड़के से हटकर प्याज के पकौड़ों पे टिक जाती है। तभी विनीता धीरे से उसे पिंच करके कहती है, क्या भूखी आंखों से पकौड़ों को टकटकी लगाए देखती रहेगी, लड़के वाले तुझे देखने आए हैं, पकौड़ों पर ही देखती रहेगी क्या तू? कुछ कहा बहन जी आपने? नहीं तो,
मैं तो कह रही थी लड़के को जो कुछ पूछना हो वो खुलकर पूछ ले, शर्माए ना। जी बिल्कुल, शर्म कैसी, रिश्ता जुड़ने जा रहा है। वही तो, रिश्ता पक्का हो गया, आपने अभी तक कुछ खाया नहीं, ये लीजिए प्याज के पकौड़े। इतना कहकर परिणीता सबके सामने एक पकौड़ा उठाकर अमित को खिला देती है और खुद भी खाने लगती है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और परिणीता अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करती है। एक दिन परिणीता नाश्ते में प्याज की कचौड़ी और प्याज टमाटर की चटनी बनाकर लाती है, जिसे देखकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, सुबह सुबह ये प्याज से बनी चीजें क्यों परोस दी तूने। सासू माँ, अभी मैंने प्याज की कचौरी बनाई है तो उसमें प्याज तो डलेगी ना। परिणीता, आज एकादशी है, आज के दिन माँ सादा खाना खाती है। मैंने तुम्हें बताया था कि प्याज लहसुन वाला कोई खाना नहीं बनाना है। बताओ, बताने के बाद भी ये हरकतें कर रही है। ठीक है, खुद ही ठूस ले ये प्याज की कचौरियाँ। माफ कर दीजिएगा सासू माँ, मुझे खाने में प्याज अच्छी लगती है ना, इसी चक्कर में याद नहीं रहा कि आज एकादशी है। मैं कुछ मीठा बनाकर देती हूँ। अभी कब तू बनाकर लाएगी, कब मैं खाऊंगी, तू चाय मेरे कमरे में ले आ, वही पी लूंगी। इतना कहकर वो मुंह बनाते हुए कमरे में चली जाती है। एक शाम सरला बाजार से सब्जियां लेकर घर आती है और थक कर बैठ जाती है। तभी वो अपनी बहू को आवाज लगा कर कहती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है, जरा ठंडा पानी तो लेकर आ। ओ कहाँ गई, सुन भी रही है कि नहीं। अरे सासू माँ, आ तो गई, इतना चिल्लाकर बीपी क्यों हाई कर रही है अपना। हाँ तो एक बार में सुन लिया करना, ये सब्जियाँ निकाल कर फ्रिज में रख दे। और पानी, पानी कहाँ है, वो भी लाने को कहा था मैंने। ला रही हूँ सासू माँ, शांत हो जाओ पहले। तभी परिणीता झट से किचन में जाकर उसके लिए पानी लाती है और थैले से सब्जियाँ निकालने लगती है, सारी सब्जियों को देखने लगती है। तभी सरला फिर से चिल्ला पड़ती है, अरे ओ, इन सब्जियों को तोड़ने के लिए नहीं, फ्रिज में रखने के लिए कहा है मैंने। सासू माँ, हरी सब्जियाँ हैं, आलू है, लेकिन प्याज नहीं है, प्याज लाना भूल गई क्या। भूली नहीं, जान कर नहीं लाई, थैला भर गया था, इसमें प्याज भरती तो फट ही जाता, और वैसे भी कांदे की महक मुझे भाती नहीं है। तभी तो आप प्याज नहीं खाती। अरे प्याज खाने के कितने फायदे होते हैं आपको पता भी है, गर्मियों में चलने वाली तेज लू से हमें प्रोटेक्शन मिलती है प्याज खाने से। तू मुझे ज्यादा ज्ञान ना दे, मुझे पता है तुझे प्याज को ज्यादा ही पसंद है, इसलिए इतना भाषण दे रही है, जाकर अपना काम कर ले। इतना कहकर वो टीवी चलाकर देखने लगती है। समय बीतता है और अचानक सरला की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर से चेकअप कराने पे पता चलता है कि उसका बीपी काफी बढ़ गया है, जिसके लिए डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखकर देता है। एक शाम के समय परिणीता सरला की थाली में खाने के साथ दो प्याज के टुकड़े डाल देती है। ओ कम दिमाग की, क्यों मेरे बड़े बीपी को और बढ़ा रही है, कितनी दफा कहा है कांदे की महक मुझे नहीं भाती। जो चीजें नहीं भाती वही तो फायदा करती है सासू माँ, इस प्याज में अमीनो एसिड होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। खाने के साथ सलाद के तौर पर प्याज खाना बहुत अच्छी बात है। तू बड़ी डॉक्टर हो रही है, दवाई खा रही हूँ ना मैं। माँ वो सही तो कह रही है, और बुरा ही क्या है इसमें, खा लो ना। हाँ सासू माँ, मैं इतना प्याज खाती हूँ तभी तो मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है। ठीक है, खा लेती हूँ। सरला ऐसे ही रोज कच्ची प्याज को सलाद के रूप में लिया करती, साथ ही साथ दवाइयाँ भी खाती, जिससे कुछ ही दिनों में उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। हर्ष सपने में अपनी पत्नी को बाहों में लेकर लेटा होता है, लेकिन हकीकत में वो तकिए को अपने सीने से लगाकर नींद में रजाई के साथ बेड से गिर जाता है और वो तकिए को हाथ में लेकर बड़बड़ाते हुए बोलता है, मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरी ये सर्दी की रातें मुझे अकेला पाकर बहुत सताती हैं, मैं बहुत बेताबी से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, अब तो चली आ मेरी इस मखमल की रजाई में। उसको बड़बड़ाता हुआ देखकर उसकी माँ नेहा हाथों में बेलन लिए उसे जगाने के लिए कमरे में आती है, और उसकी बातें सुनकर और तकिए को उसकी बाहों में देखकर उसके कान खींचते हुए बोलती है, अरे बेशरम,
जरा उस तकिए पर रहम कर ले, दम घुट जाएगा उसका। तेरी ये रोज रोज की हरकतों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और ये नालायक है कि तकिए और रजाई के साथ रोमांस करने में लगा हुआ है। कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है माँ। मैंने क्या कर दिया जो सुबह सुबह मेरी रिमांड ले रही हो? क्या कर दिया ये पूछ क्या नहीं किया? अब मुझे ही तेरे लिए लड़की का इंतजाम करना पड़ेगा। लड़की? क्यों, कब, किस लिए? तेरी शादी कराने के लिए और क्या। अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां तो तुझे भाव देने से रही, तुझे देखकर बेइज्जती अलग मार देती होंगी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं? अभी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ? लाइन लगा दूंगा मैं लाइन। लड़कियां मेरे नाम के पोस्टर लेकर ना नारे लगाती हुई रैलियां निकालेंगी पूरे ऑफिस में। बस मैं ही तो इकलौता हैंडसम एंड माचो मैन हूँ, मेरे सामने क्या वरुण क्या टाइगर। बस हो गया तेरा, या अभी और फेंकना बाकी रह गया? जल्दी से बिस्तर और रजाई तय लगा कर रख दे, मैं पराठे तैयार करके नीचे टेबल पर लगा रही हूँ। रजाई और बिस्तर से तो बस एक ही ख्याल आता है मुझे। ओ माई डार्लिंग, इट्स टू कूल, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए इन तनहा तनहा रातों में। हर्ष बिस्तर और रजाई को तय करके रख देता है। कुछ देर बाद वो नहा धोकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाता है, जहाँ पहले से ही नेहा उसका इंतजार कर रही थी। वो अपने फोन में हर्ष के लिए शादी.com पर लड़कियों की फोटो देख रही थी। हर्ष उसे फोन चलाते हुए देखकर बोलता है, क्या हो रहा है माय स्वीट हार्ट? तू पराठे खा, मैं कोई जरूरी काम कर रही हूँ। ओ भाई साहब, बिजनेस लेडी। अच्छा ये लड़की कैसी रहेगी तेरे लिए? एमए कर रही है लड़की, कमाती भी है, तेरी रजाई गर्म करने के लिए यही लड़की परफेक्ट रहेगी मेरे हिसाब से। अरे माँ, ऐसे कैसे आप इसे परफेक्ट बोल रही हैं? मुझे ढंग से तो देख लेने दीजिए। अब क्या इसका डीएनए टेस्ट करेगा तू? अरे माँ, शादी ब्याह में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बस बस, तू खा और निकल ऑफिस के लिए। हर्ष नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है और शाम होने पर वो घर आकर नेहा से गपशप करते हुए बोलता है, हाँ माँ, ढूंढ ली आपने मेरे लिए लुगाई? हाँ हाँ, दिन भर यही तो कर रही थी, तीन चार लड़कियाँ सिलेक्ट की है, तू देख जिसे पसंद करेगा उससे ब्याह रचा देंगे। हर्ष नेहा के फोन में उन लड़कियों में से अंकिता की फोटो को पसंद करता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जब हर्ष उसके करीब सोने की कोशिश करता है तो हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर हर्ष को अपने बिस्तर से दूर कर दिया करती। ऐसे ही कुछ दिन तो बीत जाते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है, बल्कि उन दोनों के बिस्तर भी अलग हो जाते हैं। हर्ष जहाँ जमीन पर चटाई और कंबल लेकर सोता, तो वही अंकिता बेड पर रजाई में अकेले सोया करती। ये सब देखकर एक दिन नेहा अंकिता से परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ बेटा, हर्ष और तेरे बीच सब ठीक तो है ना? हाँ जी माँ जी, हमारे बीच सब कुछ ठीक है, क्या बात है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं हर्ष से ही पूछ लूँगी। नेहा वहाँ से चली जाती है और हर्ष के पास जाकर बोलती है, अरे क्या हुआ तुम दोनों को, आपस में लड़ भिड़ तो नहीं गए? अरे क्या हुआ माँ, अरे कौन लड़ भिड़ रहा है यहाँ? अरे तुम ही दोनों। कौन दोनों? बहू और तू, और कौन? अरे नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही, कोई और बात है। क्या बात है मुझे भी बता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ, अभी अंकिता की नई शुरुआत है इस घर में, इसीलिए वो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं चाहती, बस इसीलिए हमारे बिस्तर अलग हैं। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं ही कुछ करती हूँ। नेहा इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और बहुत देर तक सोचने पर वो उन दोनों को पास लाने का एक प्लान बनाती है। वो तीन चार चूहे पकड़कर चूहे दानी में रखती है और रात होने पर वो हर्ष और अंकिता के कमरे में उनको छोड़ देती है। जब अंकिता और हर्ष अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं, तब चूहों की चूचू और अफरा तफरी देखकर अंकिता और हर्ष की नींद खुल जाती है और काफी देर तक वो दोनों परेशान होते हैं। थोड़ी देर बाद अंकिता रजाई को फेंकते हुए चिल्लाती है, मम्मी मेरी रजाई में चूहा घुस गया, प्लीज कोई निकालो इसे, कोई है? तुम शांत हो जाओ अंकिता, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक चूहा ही तो है। वो मेरी रजाई में घुस गया और मैं रजाई में नहीं सोऊंगी। अच्छा, अब तुम मुझे सारी रात ऐसे ही पकड़े हुए खड़ी रहोगी तो मैं कैसे उस बदमाश चूहे को भगाऊंगा? ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे अच्छा हुआ ध्यान नहीं दिया, कम से कम एक कदम आगे तो पहुँची तुम। अ, अ,
अच्छा अच्छा ठीक है, पर उससे पहले चूहे को मेरी रजाई से भगाओ। अभी रुको। हर्ष नीचे पड़ी रजाई को उठाता है और उसे झाड़ते हुए वापस अपने बेड पर रखते हुए बोलता है, कहाँ है आपका चूहा मैडम जी? पूरी रजाई छान मारी मैंने, कहीं तुमने मुझे गले लगाने के लिए चूहे का बहाना तो नहीं बनाया? मैं ऐसा क्यों करूँगी भला, मुझे कोई शौक थोड़ी ना है तुमसे चिपकने का। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी प्यारी रजाई के साथ सो जाओ, मैं नीचे तुम्हारे कंबल और चटाई पर सो जाता हूँ। वैसे तुम्हें ठंड तो बहुत लगती होगी ना? अब लगती तो है, लेकिन क्या फायदा, मेरी बीवी ने प्रतिज्ञा जो ली उसमें भागीदार मुझे भी बनना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वो प्रतिज्ञा हम दोनों की भलाई के लिए ही तो ली थी, और वैसे भी अब तो मैं तुम्हारे पास आ ही चुकी हूँ, तो सोच रही हूँ कि अपना फैसला बदल दूँ। क्या सच में? मजाक तो नहीं ना? हाँ हाँ, तुम भी मेरे साथ बेड पे सो सकते हो। क्या बात है, मेरे तो अरमानों की डोली नहीं डोला उठ गया। ओहो इतनी खुशी, बाप रे बाप। चूहे ने रजाई में एंट्री मारी या नहीं मारी मुझे नहीं पता, पर मेरा काम बनाकर चला गया। आई लव यू लिटिल माउस। हर्ष इतना बोलकर रजाई में अंकिता के साथ सोता है और अगली सुबह उठकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। तभी उन दोनों को डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए नेहा बुलाती है और दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं, और तभी नेहा उन दोनों के सामने चूहे की बात छेड़ते हुए बोलती है, अरे घर में चूहे बहुत हो गए, सारी रात सोने नहीं दिया, तुम्हारे कमरे में भी है क्या? नेहा की इतनी बात सुनकर हर्ष और अंकिता दोनों बहुत तेज हंसने लगते हैं, और नेहा उनकी हंसी से ही समझ जाती है कि उसका प्लान काम कर गया, वो भी उन दोनों के साथ एंजॉय करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।